मैं क्यों जहर खाऊं? मैं क्यों मरूं? तुम सब क्यों नहीं मर जाते? तुम लोगों के अंदर कितना जहर भरा है? चुप कर जा। तूने हर औरत की तरह हमेशा अपनी बेटी को ना चुप ही कराया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, तू हमेशा चुप रही है। आज मैं बोलूंगी। लो निकल आई है बाहर, है? जरा सी भी शर्म हया नहीं है इस लड़की में। शर्म? शर्म तुम लोगों को नहीं आनी चाहिए। तुम लोगों को लगा लैला कहीं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई है, कहीं मर खप गई होगी। अपनी गवाही देने के लिए तो आएगी ही नहीं। कितनी आसानी से तुम लोगों ने अपने हिस्से का जुर्म मेरे सर पे थोप दिया। कौन सा जुर्म? अगर मंगनी तोड़ना जुर्म है ना, तो कोई भी गैरतमंद आदमी यही करता तुम्हारा सच जानने के बाद। और तुम्हारा सच क्या है काशे? तुम्हारी माँ मेरी सौतेली फूफी मुझे अपने घर की बहू सिर्फ इसलिए बनाना चाहती थी ताकि वो मेरी माँ से बदले ले सके। ये सब जानते बूझते भी मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, इज्जत से रुखसत होना चाहती थी, लेकिन तुमने क्या किया ये बताया तुमने? कैसे मुझसे छत पे छुप छुप के मिलने आया करते थे ये क्यों नहीं बताया तुमने? और तुम? तुम्हारी और मेरी तो दोस्ती थी ना, ये दोस्ती निभाई तुमने? जब पुलिस को सब कुछ बता ही रही थी तो ये क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारे बाबा से शादी करना चाहती थी इज्जत से? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मतलब शादी कहां से बीच में आ गई? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? शादी में गलती क्या है? एक मिनट, तुम भूल रही हो शायद। मतलब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी तो डिवोर्स भी हो चुकी है। तो ये बात आपको मुझसे दोस्ती बढ़ाने से पहले याद नहीं आई? अच्छा चलो, भूल जाओ मेरी शादी हुई, भूल जाओ मेरी तलाक हुई, पर फर्क तो देखो ना। कैसा फर्क? उम्र का फर्क, हमारी क्लास का फर्क, एंड अबव ऑल तुम मेरी बेटी की दोस्त हो। तो आपको ये सारी बातें गाड़ी में घुमाने, खाना खिलाने, होटल के कमरों में लाने से पहले याद नहीं आई? रहे ना वही छोटी सोच, जरा से हंस के क्या बात कर ली, थोड़ा घूम फिर क्या लिया, थोड़ा सा फन क्या कर लिया, शादी के सपने से जाने लग गई तो। तुम्हारी जैसी ना 20-25 लड़कियां मेरे ऑफिस में काम करती हैं, सबसे शादी कर लूं? आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने की जरूरत होती नहीं, पैसे की जरा सी चमक देखती हो और खुद ही बेवकूफ बन जाती हो। खैर जाओ अपने मंगेतर के पास वापस, शादी करो उससे जाके, पर हाँ जाइंदा कॉल मत करना और कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, समझे? मगर वो मुझसे वही चाहते थे जो अपनी फैक्ट्री की बाकी 100 लड़कियों से चाहते हैं। और तुम इज्जतदार, गैरतमंद, भोले भाले, सीधे साधे इंसान हो। मैंने तुमसे तोहफे लिए और तुम्हारा फायदा उठाना चाहा, तो तुम इन सबके सामने वो क्यों नहीं बताते कि इससे पहले तुमने क्या किया था? दुकान में कोई और काम नहीं करता? करता है, लेकिन जुम्मे की छुट्टी की वजह से जल्दी चला जाता है। अच्छा
तुमने पहले भी इस दुकान से कोई सूट खरीदा? हाँ ना, यही वाला अपनी सहेली के साथ खरीदा था। काफी महंगा लगता है। हाँ, बड़े पैसे जमा करके खरीदा था। अच्छा, ये दुपट्टा इस सूट के साथ है? हाँ, इसी के साथ है। अच्छा, मेरा दुपट्टा छोड़ो। क्या करोगे इस पुराने कपड़े का? इस दुकान से कोई और कपड़ा लेके जाओ जो दिल करे। पागल का बच्ची, कैसे मैं तुम्हारी दुकान से अपनी इज्जत बचाकर भागी थी? कपड़ा बेचते हो ना तुम? कपड़ा औरत के तन को ढांपने के लिए होता है, झूठे गैरतमंद तुम तो मेरे कपड़े। ओए, किधर जा रहे हो? बीवी के वफादार, पूरी बात बताओ ना। क्या बकवास है? अरे लैला, लैला क्या बात है, बड़े दिनों बाद दीदार कराया अपना जालिमा। बकवास बंद कर, मुझे ये बताओ ये तस्वीरें तुम्हारे पास कहाँ से आई हैं? अरे तेरी तस्वीर तो मेरे दिल पर छप गई है, यकीन जान ना दिन गुजरता है ना रातें निकलती हैं। घटिया इंसान, जाके तुम्हारी बीवी को बताओ तुम्हारे ये सारे करतूत। और मेरी जनानी मुझ पे भरोसा करती है, और वैसे भी आजकल वो गांव गई हुई है। लेकिन तू सोच, अगर मैंने तेरी ये तस्वीरें साइबर नेट पे चढ़ा दी तो क्या होगा? मैं बताता हूँ, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी लैला। क्या चाहता है तुझे? हाय, अब क्या ऐसे देखकर मुझे अपने दिल में उतारेगी क्या? एक, दो, एक, दो लाख रुपया। क्या? हाँ, तू मुझे 2 लाख रुपया दे दे, मैं तेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा, पक्का वादा। गैरत! ओ लैला, लैला, आ जा मेरी बाहों में।